Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Holy name, holy name. Lord, we bless you, bless you, bless you. We exalt you, lift you up. Yahusha HaMashiach. We lift you up, 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 we lift you up, we lift you up. We exalt you, King Yahusha. We exalt you, King Yahusha. Yahusha HaMashiach, the creator of heaven and the earth, the sustainer of this universe by thy mighty, matchless, glorious power of the Rhema word. Hallelujah. Prabhu tera dhanyavaad. Dhanyavaad karte hain, Prabhu. Tere naam ko uncha karte hain, Prabhu ji. Prabhu ji, tere vachan pe thode samay ke liye jo manan karne ja rahe hain. Yeshu Masih, ek adbhut vachan, एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत नई चेतना, एक नई जागृति. प्रभु जी, योम टिरुआ का पर्व, जिसके प्रभु जी मुहाने पे हम आ बैठे हैं, योम टिरुआ, रोश शाना, तुरियों के पर्व का जो समय है, आगमन है. प्रभु जी, हालेलुया, हम तेरे चरणों में आते हैं क्योंकि तू इन पर्वों के ऊपर स्वर्गीय द्वार खोलता है और अपने लोगों से भेंट करता है. प्रभु, और तेरे लोग तेरे से भेंट करते हैं. यीशु मसीह, अपनी करुणा को उंडेल और अपनी सामर्थ को, प्रभु जी, एक नई जागृति को, प्रभु जी, भेज उन लोगों पे जो तेरे नाम की दुहाई देते हैं. तेरा धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन. शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं योम टिरुआ. योम टिरुआ का मतलब, जिसे हम तुरियों का पर्व कहते हैं, उसका आगमन होने वाला है. 25 सितंबर को हम उपवास रखेंगे और योम टिरुआ को मनाएंगे. योम टिरुआ रोश हशाना भी कहा जाता है, तुरियां फूकी जाती हैं, जिसके विषय पे मैं आपको अक्सर स्टडी देता रहा हूँ हर साल. इस साल भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन योम टिरुआ का ये जो पर्व है, इसके ऊपर जो परमेश्वर मेरे दिल में बात डाल रहा है, वो ये है कि हम क्षमा करें. परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थ्य से अपने लोगों को ये कह रहा है, पुकार के एक दूसरे को क्षमा करें. मसीह लोगों ने एक दूसरे पे लांछन लगा के, एक दूसरे के विषय में बुरी बातें कह के, या मसीह में अपने भाई बहनों को केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है. बहुत से मसीह लोग दूसरे मसीहों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से सेवक, प्रचारक भी ऐसे हैं जो विश्वासियों को केवल एक सीढ़ी बनाते हैं और सीढ़ियां बना के उनके ऊपर चढ़ते जाते हैं सफलता के शिखर पे. और जब सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं, उन लोगों को जिनके बीच में उन्होंने छोटी सी सेवा शुरू की थी, साइकिल चला के, स्कूटर चला के, लोगों के घर घर जाके उन लोगों के बीच में की गई सेवकाई और की गई प्रार्थनाओं के द्वारा, और उन परमेश्वर के साधारण लोगों के सहयोग से परमेश्वर उन लोगों को ऊपर ले जाता है. जब वो ऊपर चले जाते हैं, फिर वो लोगों से कहते हैं, हम आपसे मिल नहीं सकते, अगर हम आपसे मिलेंगे तो हमारा अभिषेक कम हो जाएगा. अगर आप हमें मिलना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, आपको डायमंड पार्टनर, गोल्डन पार्टनर, सिल्वर पार्टनर बनना पड़ेगा, सर पे हाथ रखने की प्रार्थना कितने पैसे लिए जाएंगे, महाभिषेक, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये जुमले निकालते हैं लोग, उस प्रार्थना के इतने पैसे लगेंगे, डायमंड पार्टनर बनोगे तो ये सुविधा मिलेगी, गोल्डन पार्टनर बनोगे तो ये सुविधा. जैसे किसी एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हैं तो वो एयरलाइन आपको सिल्वर कार्ड, गोल्डन कार्ड, डायमंड कार्ड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड कार्ड देती है. आप जितना सफ़र करते हो, आपको कार्ड के ऊपर आपकी माइलेज चढ़ती जाती है, आप बहुत विशिष्ट हो जाते हो उनके लिए.
आप अगर इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीदते हो तो वो आपकी माइलेज के कारण आपने इतना सफ़र किया है वो आपको फर्स्ट क्लास में बिठा देते हैं। प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में अगर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आके एक सभा कर रहा है, यीशु मसीह एक सत्संग कर रहा है, यीशु मसीह एक कन्वेंशन कर रहा है, तो उसमें भाई और बहनों कोई सोफे नहीं लगे होंगे कि जिन सोफों के ऊपर आगे बैठने के लिए लोग 50,000 की चंदा दे दें। मैं से चंदा ही कहूँगा, भेंट नहीं कहूँगा। ऐसा काम प्रभु यीशु के राज्य में नहीं होता है। ऐसा काम मनुष्यों के राज्य में होता है जो लोगों को लूटते हैं प्रभु के नाम पे, जिसके विषय में हमारे पंजाब में बहुत बड़ा फसाद चल रहा है इसी वजह से। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, जब प्रार्थना करना अपने शिष्यों से सिखाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मनुष्य को उनके ट्रेसपासेस, पाप नहीं लिखा वहां पे, अगर तुम मनुष्यों को उनके ट्रेसपासेस माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैंने आपको इसके ऊपर बड़ी गहरी शिक्षा दी है, लेकिन आज मैं फिर आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। बाइबल में पाप जो शब्द है जिसे हम हिब्रू में कहते हैं खता, खता, और ये वर्ड है H2403, खता। खता का मतलब, खता का क्या मतलब है, जिसे हम पाप कह देते हैं, लेकिन खता का असली मतलब है टू मिस द मार्क। आप निशाना लगाना चाहते थे, आप उस निशाने से चूक गए, उसे हम कहते हैं खता। उत्पत्ति 4:7 में ये शब्द पहली बार आया है। इस शब्द का नंबर है H2403, और प्रभु वहाँ पे कहता है कि पाप तेरे द्वार के ऊपर शह लगा के बैठा है। हिब्रू का वर्ड है रब्बात, रब्बात का मतलब जैसे सांप ऐसे लौट रहा है, घास के अंदर छिपा हुआ सांप ऐसे यूं स्वर्ल कर रहा है, वैसे पाप क्राउच कर रहा है। किसे कहते हैं, कैन से। तो ये शब्द है पाप। दूसरा बाइबल में शब्द है जिसे मैंने आपको सिखाया बहुत बार, वो बहुत गहरा शब्द है, पाप से कहीं गहरा। पहला शब्द है पाप, दूसरा शब्द है पाप से कहीं ज़्यादा गहरा, वो शब्द है इनिक्विटी अंग्रेजी में, और जिसे हम अधर्म कहते हैं हिंदी में। ये शब्द सबसे पहले उत्पत्ति 15:16 में है। प्रभु कहते हैं हमारे पुरखे अब्राहम से, अमोरियों के अधर्म का घड़ा अभी नहीं भरा, इनिक्विटी ऑफ द एमोराइट इज नॉट येट फुल। तो इनिक्विटी के लिए, ये जो अधर्म है, इस अधर्म के लिए शब्द का नंबर है H5771। आपको मालूम ये अधर्म क्या है, ये अधर्म है आपके अंदर जो बसा हुआ पाप है, आपके खून के अंदर बहने वाला पाप, आपके DNA के सेल्स को, आपके DNA के जो अमीनो एसिड ही नहीं है वो सिर्फ, आपकी DNA को जिस पाप ने ग्रहण लगाया है, आपके अंदर का पाप। असल में इस शब्द का मतलब है अंग्रेजी में perversity, इनर बेंट, आपके अंदर जो क्रूकेडनेस है, आप अंदर से आपका स्वभाव जो ऐसे टेढ़ापन है स्वभाव में, वो है निकुटी, अंदरूनी गहरा पाप। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की पीठ पे जब कोड़े पड़े, यीशु मसीह ने इधर बाहर से उसकी पीठ ऐसे थी मानो किसान ने हल जोत दिया हो, और खून टपक रहा था और ऐसे रेघारियां बनी हुई थी, लेकिन जब यीशु मसीह के वो कोड़ा पड़ता था, नाइन कैट की तेल वाला वो कोड़ा पड़ता था जिसमें जानवर की सूखी हड्डियां और लोहे की खोखली गेंदें होती थी, वो ऊपर से पड़ता इधर आता था आगे तक, ऊपर से पड़ता इधर आता था, ऐसे मारते थे यहाँ तक आता था। ये हार्ट, ये ऑर्गन, लंग्स, लिवर, किडनियाँ, यीशु मसीह के सारे ऑर्गन के ऊपर, अंदरूनी अंगों पे धमाका जाता था। आपको मालूम कोड़ों की मार से, क्रूस पे ठोकी गई कीलों से, 6 घंटे जब प्रभु यीशु कृष्ण क्रूस पे लटका रहा, यीशु मसीह के अंदर के अंगों से खून बह रहा था। यीशु मसीह के बाहर खून बह रहा है, यीशु मसीह के अंदरूनी अंगों में खून की धारा बह रही है। आपको मालूम जीसस ब्लड इंटरनली एंड जीसस ब्लड एक्सटर्नली। रीड Isaiah 53 एंड द फर्स्ट वर्स नंबर 3, 4, 5, 6।
how Jesus was crushed, how Jesus was pierced, how Jesus was wounded. वहाँ पे बहुत गहरे अद्भुत इब्री भाषा के शब्द हैं। यीशु मसीह अंदर से भी खून का सोता यीशु के बह रहा था और बाहर से भी। ये जो अंदर से खून का सोता बह रहा था भाई और बहनों, ये हमारी इनिक्विटी को, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में अवान, H5771, हमारे अंदर की जो क्रुकेडनेस है, हम अंदर से पाप के कारण जो जलेबी की मानन टेढ़े हैं, अंदर की कुटिलता, उसको धोने के लिए यीशु मसीह अंदर से ब्लीड किया, अंदर से उसके लहू का सोता बहा। बाइबल में एक तीसरा शब्द है पाप के लिए, वो शब्द है अनराइचियसनेस, अधार्मिकता, जो लेवी व्यवस्था 19 अध्याय के 15 वचन में, अधार्मिकता, अनराइचियसनेस, लेवी व्यवस्था 19 के 15 में। इस शब्द का नंबर है हिब्रू भाषा में H5766 और ये शब्द है इवेल, जैसे अंग्रेजी का शब्द है इवल, ये हिब्रू वर्ड है इवेल, इसका मतलब है वायलेंट डीड ऑफ इनजस्टिस। कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, सियासी तौर पे शक्तिशाली, पैसे के तौर पे बड़ा बलशाली व्यक्ति, किसी बहुत गरीब गुरबे इंसान की या बहुत गरीब इंसानों की छोटी सी बस्ती, उनकी ज़मीन को जब हथिया लेता है और उसके गुंडे आके ज़मीन को हथियाते हैं और गुंडे जबरन उन लोगों से टाइटल डीड पे, पेपर्स पे साइन करवा लेते हैं, वायलेंट डीड ऑफ इनजस्टिस, बहुत ही गहरा लोगों के संग अन्याय करना और क्रूरता से पेश आना, उसे बाइबल में कहा गया है अनराइचियसनेस। लेकिन अब मैं वो शब्द आपको बताने जा रहा हूँ जो प्रभु ने कहा, जीसस सेड इफ यू विल नॉट फॉरगिव पीपल देयर ट्रेसपासेस, अगर तुम लोगों को, हिंदी में लिखा उनके पाप क्षमा नहीं करोगे, लेकिन पाप शब्द नहीं है वहां पे सुनिए, वहां पे असली शब्द इंग्लिश में है ट्रेसपास, और आपको मालूम हिब्रू में वो वर्ड है पीशा, जो वर्ड नंबर है H6588। सबसे पहले ये बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय के 36 वचन में आया है, जहां पे याकूब अपने ससुर लबान से कहता है कि मेरा ट्रेसपास क्या है। ट्रेसपास का मतलब, सुने ध्यान से, ट्रेसपास का मतलब है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है, वो है ट्रेसपास। और आपको मालूम ग्रीक भाषा में ये वर्ड है पराप्टोमा। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 26 वचन, जहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं और कहते हैं, अगर तुम मनुष्य को उनके पाप, लेकिन असली शब्द है पराप्टोमा या पीशा, हिब्रू भाषा में, हिब्रू में पीशा शब्द नंबर है H6588 और ग्रीक भाषा में ये जो शब्द है पराप्टोमा, ये है G3900 नंबर, ये शब्द है। पराप्टोमा का मतलब है ऑफेंस, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, लोगों की प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन होती है और उसके चारों ओर उन्होंने बाड़ लगाई होती है और वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये किसी व्यक्ति की अपनी जगह है, जो इस बाड़ को लांग के अंदर जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो ट्रेसपास करेगा, वो जो बाड़ लगी है, जो लाइन लगी है, उस लाइन का यदि कोई सम्मान नहीं करेगा, उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध जो पाप करता है उसे कहते हैं ट्रेसपास, उसे हिब्रू में कहते हैं पीशा और उसे यूनानी में कहते हैं प्राप्टोमा। आपको मालूम, सुनिए ध्यान से, आप अपने भाई के विरुद्ध जो पाप करते हैं, आप अपनी बहन के विरुद्ध जो पाप करते हैं, मसीह मसीहों के विरुद्ध जो पाप करते हैं, मसीह गैर मसीहों के विरुद्ध जो पाप करते हैं, उन्हें परमेश्वर माफ नहीं करता। मनुष्य जब मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है तो उसकी माफी परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे को क्षमा करो। गॉड सेज इफ यू ऑफेंड ईच अदर एंड इफ यू ट्रेसपास अगेंस्ट वन अनदर, डू नॉट कम टू मी एंड आस्क मी टू पार्डन यू,
For I will not pardon you. You have to pardon each other. मनुष्य जब मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है, उस पाप को स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा क्षमा नहीं करता. वो पाप असल में पाप नहीं, उसके लिए शब्द है ट्रेसपास, सीमा रेखा को लांग जाना. तो वो जो आपने बुरा काम किया है, उसके लिए आपको अपने भाई से जाके माफी मांगनी है, आपको अपनी बहन से जाके माफी मांगनी है. और आपको मालूम प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती रची सुसमाचार 5:23-24 में प्रभु कहते हैं कि तू परमेश्वर की जगवेदी पे भेंट लेके जा रहा है, प्रभु के लिए नजराना लेके जा रहा है, आत्मिक काम करने जा रहा है, लेकिन तेरे दिल के अंदर तुझे याद आता है कि तेरे एक भाई के विरुद्ध तेरे मन में कोई मसला है, कोई मन मुटाव है, भाई भाई के बीच में झगड़ा हुआ है. और परमेश्वर का आत्मा, जिस समय तू परमेश्वर की जगवेदी की ओर जा रहा है, तब परमेश्वर का आत्मा तेरे दिल में यह भाव डाल रहा है. तो प्रभु यीशु कहते हैं उस भेंट को जगवेदी के पास छोड़ दे और अपने भाई के पास जा. हालेलुया. और यीशु मसीह कहते हैं गेट रेकनसाइल्ड टू योर ब्रदर, गेट reconciled टू योर ब्रदर, अपने भाई से जाके सुला कर. reconciled के लिए ग्रीक वर्ड है dialasso, dialasso, dialasso का मतलब आपको मालूम क्या है? आपने अपने भाई की बुराई की है, गलत. आपने अपने भाई पे लांछन लगाया है, गलत. आप अपने भाई के विरुद्ध खड़े हुए, आप हैं गलत. आप जा रहे हैं भक्ति करने, आप जा रहे हैं भेंट लेके यहोवा के आगे. यहोवा कहता है तेरी भेंट मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में एक खलिश पड़ गई है. तेरी प्रार्थना मेरे तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मनुष्यों को उनके अपराध क्षमा नहीं करोगे, मनुष्यों के प्रति जो आप पाप करते हो वो आपको क्षमा करने पड़ेंगे. आप ये ना सोचो कि परमेश्वर के आगे जाके प्रार्थना की वो क्षमा हो जाओगे. नहीं, परमेश्वर ये काम आपको करने के लिए कह रहा है. अगर गलती की है तो आप झुक के क्षमा मांगते हैं. अगर किसी ने आपके विरुद्ध पाप किया है तो भी, पाप का मतलब ट्रेसपास किया है, जिसे हम हिब्रू में पीशा और ग्रीक भाषा में प्राप्टोमा कहते हैं. ये मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध जो पाप करता है उसे कहते हैं पीशा और प्राप्टोमा. तो प्रभु कहता है जा अपने भाई से क्षमा मांग और अपने भाई से अपना रिश्ता ऐसे जोड़ ले. क्या कहता है प्रभु? डियालासो, अपने भाई के संग रेकनसाइल हो जा, फिर लौट के आ, अपनी भेंट को मुझे चढ़ा जगवेदी पे, तो मैं तेरी स्वर्ग से सुनूंगा. आपको मालूम बहुत से मसीह लोग एक दूसरे को घायल कर देते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकते हैं. आपको मालूम यीशु मसीह ने हमें पांव धोना सिखाया है, कीचड़ फेंकना नहीं. जो कीचड़ से सने पांव हैं उन्हें धोना है, ना कि किसी पे कीचड़ फेंकना है. मैं ये नहीं कह रहा सच्चे कलाम की मुनादी मत करो, सच्चे कलाम की मुनादी ठोक कर करो, दिलेरी और हियाब से करो और सच्चा कलाम पेश करो. लेकिन प्रभु क्या कहता है? अपने भाई के विरुद्ध ट्रेसपास, मन मुटाओ, कटुता, ना क्षमा की आत्मा, रिवेंज, रिटेलिएशन, अपने भाई के प्रति दुर्भावना, ये जो योम टिरुआ का पर्व है, 25 सितंबर से तुरियों का पर्व शुरू होने वाला है. हम बहुत ही पवित्र समयों के अंदर जाने वाले हैं. तुरियों का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, प्राश्चित का पर्व, सब आने वाले हैं. पवित्र सीजन, ऋतु आ रही है. इसलिए आओ भाई और बहनों, हालेलुया, क्षमा करें, हालेलुया, दीन बनाएं अपने आप को, ताकि परमेश्वर आप पे और मेरे ऊपर स्वर्गीय करुणा को ऊंडे ले. फादर आई प्रे दैट यू वुड ब्लेस दोज हु हैव लिसन्ड अनटू योर वर्ड. फादर आई प्रे दैट योर होली स्पिरिट विल ब्रूड अपॉन दिस मैसेज एज दिस वर्ड विल गो टू पीपल डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. May their ears become receptive and may their heart acknowledge and may their disposition and demeanor, Lord, become very humble and broken before you. Khudavand, tera atma chue tere logo ko aur unhe deen kare in dino mein, Prabhu ji, taki jab hum parvon ke andar pravesh karte hain, hum dhul ke tere lahu se, deen ho ke, khare aur sachche hirde se, teri khoj kare, Khudavand. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह
आप सबको बहुत बरकत दे। मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। गुड नाइट एंड इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। जय मसीह की।